अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बस लेजीनेस की इंतहा हुई है नूर की, तो अब यूनिवर्सिटी भी जाना था। ये व्लॉग मेरा ऑलमोस्ट एक से डेढ़ ना वीक पहले का है, लेकिन बस डालने में ना पोस्ट करने में मुझे टाइम लग जाता है, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना कि बस मैं उठती इतना लेट हूँ, एंड एंड टाइम पे उठती हूँ, पर मैं जल्दी जल्दी भागती हूँ कि मेरी क्लास ना मिस हो जाए, क्योंकि क्लास में आप 10 मिनट से ज़्यादा लेट जा ही नहीं सकते, और मैम वैसे क्लास से बाहर फिर खड़ा कर देती है और फिर इंसल्ट फील होती है। एक बार इस तरह हुआ था, लेकिन शुक्र है मैम ने मुझे आने दिया कि आपका फ़र्स्ट टाइम है, और वो तब मैं वज़ीराबाद से मतलब कि आ रही थी, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था। अभी भी हम और अभी भी हम वज़ीराबाद ही हैं, लाइक ये वीडियो पहले किया ना, तो मैं इस वजह से इसका वॉइस ओवर बाद में करी हूँ। तो अब मैं क्लास लेने के लिए यहाँ पर आ गई थी, और इतनी धूप इतनी गर्मी कि बस ओरेंज ट्रेन में आओ ना तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब उसमें एसी चल रहा होता है, अगर तो खुद से इन ड्राइव या रिक्शे में आओ तो बहुत गर्मी लगती है। और अब मुझे भूख भी लग गई थी क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं यहाँ जल्दी जल्दी से उठी थी, बस चाय वैसे मैं पी लेती हूँ, लेकिन इस दिन मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैंने कहा पहले क्लास से पहले जल्दी भी आ गई थी ना थोड़ा सा क्लास में, यानी कि 10 मिनट्स का मार्जिन होता है, मैम ने बस वो दिया, मैंने कहा जल्दी जल्दी पकड़ते हैं रास्ते में चाय पीते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना क्लास हमारी बहुत ज़्यादा जाके आगे है, तो पहले ही चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और फिर मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी, मैंने कहा चलाओ यार दोनों बैठ के चाय पी लेते हैं। फिर अब क्लास भी ले ली, उसके बाद फिर मैम ने कहा था कि अपना थोड़ा सा काम कर लेना, ये मेरी दोस्त जो है जो वीडियो नहीं बनाने दे रही, कि पहले पढ़ लो फिर उसके बाद वीडियो बना लेना। खैर यहाँ पे अब हम पढ़ने लग गए थे क्लास से फ्री होके, क्योंकि अब हमारे पेपर आ गए नज़दीक और उसकी तैयारी भी करनी थी। और अभी यहाँ से फ्री होके अब मुझे जाना है कॉलेज अपनी दूसरी क्लास लेने के लिए, तो अब मैं वहाँ पर जा रही हूँ। यहाँ मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, धूप आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, अभी से जून जुलाई वाला हाल हो गया, लेकिन अब क्या करें, बर्दाश्त भी करना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है रिक्शे वाले अंकल बहुत अच्छे थे, यानी कि जल्दी जल्दी मुझे ले गए, वहाँ पर भी मैं लेट नहीं हुई थी, वरना मुझे यही था कि वहाँ पर भी लेट हो गई। लेकिन वो कॉलेज में ज़्यादा मसला ही नहीं होता है, सर अच्छे हैं, मतलब वो कहते हैं कि आप लोग पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें जब आप लोग लेट हों या कुछ भी। अब कॉलेज आई तो यहाँ पर पता नहीं कोई फंक्शन था, तो दूसरे कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए थे और स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर ना मुझे लेट हो रही थी, तो फिर मैंने इसलिए कहा कि पहले ना क्लास में चले जाते हैं, क्लास से फ्री होके ना फिर बाद में दोस्तों के साथ एक साथ ही देख लूँगी, और जो भी मतलब खाना पीना हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने को अच्छा लग ही नहीं रहा था, मुझे जाते हुए मैंने देख लिया था, तो मैंने कहा साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ और देख भी लेती हूँ कि कुछ अच्छा हो, और ताकि बाद में आके ना आराम से बंदा देख ले, क्योंकि गर्मी में धूप में इतना खड़ा नहीं हो जाता। इन लोगों की हिम्मत है कि किस तरह यहाँ पर बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी इतनी दूर जाके क्लास है ना, यहाँ पर भी चल के मैं थक जाती हूँ, तो शुक्र है यहाँ पर मेरी दोस्त मुझे साथ ही मिल गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब दोनों साथ ही चलते हैं क्लास पर, थोड़ी सर से कुछ सुन लेंगे अगर हम ज़्यादा लेट हो गए तो, लेकिन सर कुछ कहते नहीं हैं, ये फ़ायदा है। पता नहीं यहाँ पर आजकल कॉलेज में ना कोई फंक्शन चल रहा है, ख्याल से ना फैशन डिज़ाइनिंग वालों की कुछ कैटवॉक थी, तो अब मैं घर आ गई, घर आके ठंडे ठंडे की ज़रूरत होती है, और गर्मा जो कि मुझे मोस्ट फेवरेट है ये मुझे मिल गया था, अभी यहाँ ने काट कर दे दिया, फिर मैंने फ़ौरन से ये खाया कि पहले तो थोड़ा ठंडा हो, उसके बाद फिर बेला से भी मिल लेते हैं, उसकी मुझे आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं, वरना आते साथ मैं पहले उसको पकड़ लेती हूँ, तो पहले थोड़ा सा खा पी लेते हैं कुछ, क्योंकि ना वहाँ से हमने खाया ही नहीं, वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, फिर हमने कहा कि अब ऐसे ही चल लेते हैं, कैंटीन गए तो वो कैंटीन का टाइम ही बंद हो गया था क्योंकि 5 बज गए थे। यहाँ पर ये डॉग फिर से आ गया था, मैंने कहा चलो शुक्र है ये आ गया, अब इसको मैं ज़रा दूध दूँ, बेला ऊपर से बैठ के इसको बस देख रही होती है गुस्से में जब ये आता है, और मैं इसके पास चली जाती हूँ, लेकिन इसको भी तो देना है ना, कोई बात नहीं बेला को भी समझा लेती हूँ, बाद बेला कोई बात नहीं फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। अभी हाँ इस तरह कौन इसमें लाइक आता है, इस तरह तोड़ के फलना थोड़ी थोड़ी तोड़ते हैं और साथ ही दूध के साथ खाते हैं उफल्ला। जिंदगी में पहली बार अगर आपको मिल गई है खाने के लिए तो बंदा पूछ ही लेता है। ये ड्रेस मलाई यकीन अभी पापा लेके आए हैं तो इसलिए मैं खा रही हूं। ये तो पूछ लो नूर आपी किस तरह खाते हैं, कोई मैनर्स तो आपको है ही नहीं ना नाम के। अच्छा ये ब्लैक ब्लैक क्या आ रहा है इसके अंदर, इलायची? हां वही देख रही हूं। अच्छा इलायची देखो, मैं टेस्ट कर लूं ना कैसी होती है। नहीं आप मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं खाई। ठीक है इतनी मजे की होती है, मतलब बट स्वीट वाली ज़्यादा मजे। ये पापा कहाँ से लाए? आई गेस किसी दूध शॉप से लाए। दूध शॉप से मिल्क शॉप
क्या इतनी भी हंसने वाली बात नहीं थी। अब नहीं आऊंगी व्लॉग में। हाँ ठीक है, मैं व्लॉग बंद करूँ। अच्छा मैं लोगों को बताऊँ ना कि इसको रसमलाई नहीं खानी। नूर अभी एक मिनट अंदर मुंह में जाके वो टूट रही है, तो अभी तोड़ के खा लो। क्या अब मैं कल से जब चीजें बनाऊंगी ना तो तोड़ के पकाऊंगी। चिकन की मीट भी तोड़। हाँ ठीक है मैं तो खा लूंगी। मुझे पता है हर चीज अंदर जाके खत्म करने के लिए आई हूँ। नहीं सिर्फ पिज्जा खत्म करने के लिए। ओके जी पापा जी। पापा चलो बुलाने जाओ। पापा क्या जी पापा क्या कह रहे हैं? पढ़ नहीं पापा ने उड़ा पी नहीं पढ़ रही। पापा पढ़ रही हूँ मैं झूठ। पापा कह रहे हैं नूर के पास उठा वो पढ़ रही है। हाँ तो मैं पढ़ रही हूँ ना। पापा ड्रामेबाजी टीटू पार्टियाँ लगा रही है, बेला के बारे में बातें करी जा रही है मेरे से। कह रही है बेला मेरी जान का टोटा, मेरी जान का टोटा। कह रही है पापा जितना मर्जी कह रहे मैं बेला को अपने घर से नहीं निकालूंगी, मैं खुद चली जाऊंगी बट बेला को नहीं भेजूंगी। मैं बेला के लिए मैं जीना मरना खत्म कर रही है हमसे। हो गया अब आप कमरे से जाओ। पापा ने कह दिया नूर को खेला छोड़ दो, नूर को पढ़ने दो। चलो नूर पढ़ ही ना दो। चलो मैं पढ़ने लगी। ओके बाय। पढ़ के थोड़ा सा फ्री हो के अब चाय मैंने पी भी नहीं थी सुबह, बस जो कॉलेज में पी थी तो मैंने कहा चलो अब चाय बना के पी लेते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। हर व्लॉग में मैं कहती हूँ, आप लोग इसी तरह वीडियो देख रहे होते हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके देखा करें ताकि व्लॉग का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।